हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल. मैं खुशबू चतुर्वेदी, आपके जीएस के एजुकेटर, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ. प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की क्या किया था कि हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रो सेक्शन के पार्ट, यानी कि आपका जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, उसके साथ साथ में जो आपका डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक है, इसके बारे में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के बारे में हमने पढ़ा था. आज क्या पढ़ेंगे, आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम्स आता भी है एंड आएगा भी, तो उसको हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं. एंड टॉपिक का नाम है आपका इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक. तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट आपके आज के टॉपिक का क्या है, नेम है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि इसको आप बोलोगे हिंदी में भारतीय वित्तीय बाजार. ठीक, भारतीय वित्तीय बाजार की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंपल आप समझ सकते हो कि नॉर्मल मैं आपको मार्केट के बारे में पहले बता चुकी हूँ कि मार्केट एक प्लेस होता है जहां पे आपका बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, एक प्रॉपर प्लेस होता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है किसी सर्टेन प्रोडक्ट को लेकर के, तो वो आपका क्या हो जाता है, बाजार हो जाता है. लेकिन यहां पे आपको तीन चीजें याद रखनी है. बाजार की जो बात करी जा रही है वो है भारतीय बाजार, यानी कि इंडिया उसकी क्या है, टेरिटरी है. एंड यहां पे अगर वित्तीय की बात करी जा रही है तो यहां पे फंड का ट्रांसफर हो रहा है, तो आप सिंपली ये समझोगे कि भारत का वह बाजार जहां पे दो साइड्स होते हैं, वहां पे आपका बायर एंड सेलर था, यहां पे क्या हो जाएगा, आपका एक साइड होगा, इसको आप लोग बोलोगे मनी सरप्लस, एंड जो आपका दूसरा साइड होगा उसको आप लोग बोलोगे मनी डेफिसिट. और अगर इसको आप लोग हिंदी में समझना चाहेंगे तो इसको बोलते हैं, ये आपका होता है धन अतिरेक, यानी कि धन यहां पे क्या है, एक्सेस में है, इनके पास ज्यादा पैसा है. एंड इधर क्या आ जाएगा आपका, धन अभाव, यानी कि इनके पास में क्या है, पैसे की कमी है. तो नॉर्मली क्या होता है, आप यहाँ पे आप इसको प्रैक्टिकली लीजिएगा कि भारत के अंदर का वह वित्तीय बाजार जहां पे एक साइड होती है जिसके पास में पैसा ज्यादा होता है और एक साइड होती है जिनके पास में पैसा कम होता है, तो ये दोनों लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, मनी का ट्रांसफर करते हैं. क्या करते हैं, मनी का ट्रांसफर करते हैं. आप बोलोगे इन लोग के बीच में धन का क्या होता है, लेन देन होता है. क्या करने के लिए, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए. अब अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझे तो आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज अगर मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे अच्छा खासा अमाउंट चाहिए कि सपोज मुझे 3 से 4 लाख रुपए पैसा चाहिए, तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती कि मैं एकदम से अपने पास से निकालूं और पैसा वो दे दूं, तो मैं क्या करूंगी कि मैं अपना जो पैसा होगा उसको क्या किसी बैंक से लेने के लिए जाऊंगी. एंड बैंक आपको वो पैसा देगा, क्यों देगा, क्योंकि उसके बदले में वो आपसे क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा. क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा. तो आपको क्या करना है, आपको समझना है इस तरीके से कि भारतीय वित्तीय बाजार वह बाजार होता है जहां पे धन अतिरेक और धन अभाव पक्ष के बीच में धन का लेन देन होता है, किसके लिए, आपके ब्याज के लिए. तो ब्याज इंटरेस्ट के थ्रू तौर पे उनकी क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है. तो इतना चीजें आपको क्लियर हुआ. देन अब क्या करना है, आपका यही जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है, ये दो तरीके से आपका दो कैटेगरीज में क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया था. अगर मैं इन्हीं को क्या करूंगी, मैं इनको ब्रेक कर दूंगी, मैं नीचे बना दे रही हूं. तो अगर मैंने इनको क्या किया, ब्रेक किया, मैंने एक तरफ लिख लिया आपका वर्किंग कैपिटल मार्केट, या इसी को आप बोलोगे मनी मार्केट. क्या बोलोगे, एक तरफ आप लिखोगे मनी मार्केट, यानी कि मुद्रा बाजार. क्या बोलोगे आप इसको, मुद्रा बाजार. एंड दूसरी साइड में आप क्या लिखोगे, दूसरी साइड में लिखोगे आप कैपिटल मार्केट. कौन सा मार्केट, कैपिटल मार्केट, या इसी को आप बोलोगे आपका पूंजी बाजार. कौन सा बाजार, आपका पूंजी बाजार. देन आपने समझना क्या है कि अगर आप बात करोगे किसकी, आपके मुद्रा बाजार की, तो यहां पे क्या होता है कि नॉर्मली या मैक्सिमम 1 से 364 दिनों के बीच में क्या होता है, यहां पे फंड का लेन देन होता है. क्या होता है, धन का लेन देन होता है. तो ये कैसा हो गया आपका, आपका मनी मार्केट हो गया. नॉर्मली आप लोग बोलोगे इसका एक और नाम है, इसको आप लोग वर्किंग कैपिटल मार्केट भी बोलते हो, क्योंकि ये आपकी हमेशा क्या होती है, बाजार में होती है और वर्क करती रहती है. तो इसका एक और नाम हो जाता है, उसको आप लोग बोलते हो क्या, मैं यहां पर लिख दे रही हूं, इसको समझ लीजिएगा, वर्किंग कैपिटल मार्केट. ठीक, ये किसका नाम हो गया आपका, ये हो गया नाम आपके मनी मार्केट का. देन अगर आप कैपिटल मार्केट की बात करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल मार्केट में आपका बेसिकली जो धन का लेन देन होता है ये मोर देन 365 डेज होता है, यानी कि 365 दिनों से ज्यादा की अवधि के लिए हम लोग क्या करते हैं, धन का लेन देन करते हैं. तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ मोर देन 365 डेज. ठीक है, तो आपको लिखना है क्या, 365 दिनों से ज्यादा का जो अवधि होती है वो आती है आपकी कैपिटल मार्केट की कैटेगरी में, और 1 से 364 दिनों के बीच की जो अवधि आती है वो आती है आपके कौन से बाजार में, आपके मनी बाजार में, जिसको आप लोग वर्किंग कैपिटल मार्केट भी बोलते हो, या कार्यकारी पूंजी बाजार भी इसको हम बोलते हैं. कौन सा बाजार बोलते हैं, कार्यकारी पूंजी बाजार. तो इतनी चीज आपको क्लियर हुई कि क्या होता है आपका इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ,
इंडियन फाइनेंशियल मार्केट या भारतीय वित्तीय बाजार वह बाजार है जहां पे मनी सरप्लस यानी कि धन के अतिरेक पक्ष के बीच में तथा मनी डेफिसिट यानी कि धन के अभाव पक्ष के बीच में मनी का ट्रांसफर होता है, यानी कि धन का लेन देन होता है। क्या होता है? धन का लेन देन होता है। एंड ये धन का लेन देन क्यों किया जाता है? ताकि कोई ना कोई एक अपनी जरूरत को पूरा कर सके, कोई ना कोई एक उसमें क्या कर सके, इंटरेस्ट से अपनी इनकम कर सके। तो नॉर्मली जिनके पास पैसा ज्यादा होगा वो क्या करेंगे, दूसरे को पैसा दे करके उनसे इंटरेस्ट लेंगे और ब्याज लेकर के अपनी क्या करेंगे, इनकम बढ़ा देंगे। अब क्या होता है कि इस इंडियन कैपिटल या बोलेंगे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को हम दो भागों में ब्रेक कर देते हैं। एक हो जाता है आपका मनी मार्केट एंड दूसरा हो जाता है आपका कैपिटल मार्केट। अगर मैं मनी मार्केट की बात करूंगी तो इसको हम लोग बोलते हैं मुद्रा बाजार। एंड यहां पे जो धन का लेन देन होता है वो 1 से 364 दिनों के बीच में होता है। अब क्या है कि इन 1 से 364 दिनों के बीच में मुद्रा का लेन देन होने की वजह से जो आपकी मनी होती है, जो फंड होते हैं, वो मार्केट में ज्यादा प्रिवेल करते हैं। इसीलिए इसको वर्किंग कैपिटल मार्केट या कार्यकारी पूंजी बाजार भी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट की या पूंजी बाजार की, तो यहां पे क्या होता है, धन का जो लेन देन होता है वो 365 दिनों से ज्यादा अवधि के लिए होता है। 364 दिनों से कम और 365 दिनों से ज्यादा अवधि के लिए आप बोलोगे होगा। 364 से कम में होगा मनी मार्केट में, 65 से ज्यादा या 365 से ज्यादा हो जाएगा आपका कैपिटल मार्केट में। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देन आपको क्या पढ़ने, आपने पढ़ने इंस्ट्रूमेंट कि वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपनी वर्किंग कैपिटल मार्केट को रन करते हैं या उसके थ्रू हम लोग पैसा क्या कर सकते हैं, मनी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, इस क्लास यहां पे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देन मैं इसको रब करती हूं और आगे देखते हैं हम लोग। चलिए इसको हटा रही हूं मैं। आते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट चल रहा था, आपको इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स की बात करोगे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की, तो आपने देखा क्या कि इधर था आपका मनी मार्केट। तो सिंपली मनी मार्केट के कुछ क्या हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे पहले की मैं बात करूंगी, इसको आप लोग बोलते हो ट्रेजरी बिल्स। क्या बोलते हो आप लोग? ट्रेजरी बिल्स, और हिंदी में भी इसको ट्रेजरी बिल ही बोला जाता है। देन अगर मैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट की बात करूंगी तो उसको बोलते हैं हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक, थर्ड की मैं बात करूंगी तो उसको बोलते हैं कमर्शियल पेपर्स। क्या बोलते हैं? कमर्शियल पेपर्स। नेक्स्ट जो होता है उसको आप बोलते हो कमर्शियल बिल। इनसे बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता इसलिए मैं नहीं बताती हूँ, हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। देन आपका होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल के बाद में आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट एंड आपका जो रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये क्या है आपका, इसी कैटेगरी में आते हैं। यानी कि आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट इनका यूज करके हम लोग फंड की अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। कहीं पे सरकार करती है, कहीं पे बैंक्स करते हैं। देन अगर हम लोग आएंगे किसमें, आपके म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका होता है क्या, एक होता है आपका कॉल मनी मार्केट, उसको भी हम लोग समझ लेंगे कि क्या होता है कॉल मनी मार्केट। अब समझिएगा, अगर बात करेंगे किसकी, ट्रेजरी बिल्स की, तो नॉर्मली इनमें क्या होता है, आपकी जो केंद्र सरकार होती है, जो यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, अपनी तत्कालीन या बोलेंगे अपनी शॉर्ट टर्म्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी पूर्ति के लिए ये क्या करती हैं, ट्रेजरी बिल्स जनरेट करती हैं। सपोज इंडियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट को अपने पैसों की जरूरत हुई तो उन्होंने अपनी ट्रेजरी बिल्स जनरेट कर दिए। अब जो कंट्री, जो स्टेट या कोई भी अगर इनको फंड देगा या फिर कोई बैंक भी देता है तो क्या करेंगे, ये अपना ट्रेजरी बिल्स उनको देंगे और उसके बदले में उनको क्या करेंगे, पैसे उनसे ले लेंगे। एंड जब वो अपने पैसे वापस पे बैक करेंगे तो ट्रेजरी बिल क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में वापस आ जाएगा। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में क्या होता है कि नॉर्मली इसमें जो बैंक्स होते हैं अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए लेते हैं पैसा, किससे, आपकी नॉर्मली पब्लिक से लेते हैं या किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो कि इनसे आप सरकारों से भी पैसा ले सकते हैं, कि स्टेट गवर्नमेंट से भी पैसा ले सकते हैं। इसके साथ साथ में जो आपके कमर्शियल पेपर होते हैं, नॉर्मली यहां पे भी बैंक्स का रोल होता है, बैंक्स भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना पैसा देते हैं और लेते भी हैं। देन कमर्शियल बिल्स के बाद में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में आप लोग हमेशा से जानते हो, बट मैं आपको बता दूं कि रेपो रेट हमेशा से प्रचलन में नहीं था, ये 1992 से वर्किंग होना स्टार्ट हुआ है इसका, यानी कि 1999 से, या बोलेंगे 1992 से ये फंक्शन करना स्टार्ट किया किसने, रेपो रेट ने। आगे चल के मैं बैंकिंग टर्मोलॉजी आपसे डिस्कस करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। एंड जो आपका रिवर्स रेपो रेट है इसने फंक्शन करना स्टार्ट किया 1996 से। देन म्यूचुअल फंड्स, अभी लोग सभी लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। एंड आपका क्या होता है, जो कॉल मनी मार्केट होता है
नॉर्मली इसमें रात भर के लिए जो बैंक्स होते हैं वो अपना पर्सनली अंदर अंदर ही क्या कर लेते हैं, फंड ले लेते हैं, एक दूसरे से ट्रांसफर कर लेते हैं. तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि ओवरनाइट बोरोइंग भी बोलते हैं, क्योंकि एक रात के अंदर अंदर हम इनसे लोन लेते हैं, बैंक्स आपस में एक दूसरे से लोन लेते हैं. एंड मैक्सिमम जो इसकी टर्म है वो आपका 100 बोलेंगे 1 से 14 दिन के बीच में, यानी कि 14 दिनों के अंदर अंदर ही क्या करते हैं वो पूरा का पूरा पैसा वापस कर देते हैं. तो इसको कॉल मनी मार्केट एंड इसके साथ साथ में ओवरनाइट बोरोइंग्स भी बोलते हैं. किसको बोलते हैं आपके कॉल मनी मार्केट को, क्या बोल दिया आपने, ओवर नाइट बोरोइंग. हालांकि इस सेक्शन से बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती हैं, बट अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि जो मनी मार्केट है उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, तो ये सारे के सारे जो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स आपको बताए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि ये वो चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, आप मुद्रा बाजार से धन की लेन देन कर सकते हो, धन आप ले सकते हो. तो एक हो गया ट्रेजरी बिल्स, एक हो गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एक हो गया आपका कमर्शियल पेपर, एक हो गया कमर्शियल बिल्स, एक हो गया आपके रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, एक हो गया आपके म्यूचुअल फंड्स एंड एक हो गया आपके कॉल मनी मार्केट. तो इन सभी का क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं आती हूँ आपके कौन से मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, उसको भी हम लोग क्या करते हैं अच्छी तरीके से समझ लेते हैं. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देन अब क्या है, समझेंगे आपका मनी मार्केट के बाद में कैपिटल मार्केट. चलिए, कैपिटल मार्केट जैसा कि उसका नाम है थोड़ा सा ह्यूज होता है, बड़ा होता है. तो कैपिटल मार्केट को अगर मैं डिफाइन करूंगी तो मैं क्या करूंगी, इसको ब्रेक कर लूंगी कुछ पार्ट्स में. यानी कि आपका जो कैपिटल मार्केट होता है इसको मैं 3 पार्ट्स में तोड़ती हूँ. और यहाँ पे आप सभी को पता है कि मोर देन 365 डेज यहाँ पे लग रहे हैं क्या करने में, धन के लेन देन में. यानी कि 365 दिन से कम दिन के लिए आप यहाँ पे फंड का लेन देन नहीं कर सकते. आप अगर फंड लोगे या दोगे तो 365 दिन से ज्यादा की अवधि ही होनी चाहिए. देन कैपिटल मार्केट को आपने क्या किया, आपने ब्रेक किया किसमें, आपके 3 पार्ट्स में. यानी कि जो पहला होता है उसमें आते हैं आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, सेकेंड में जो आते हैं ये आ जाते हैं आपके बैंक्स. एंड थर्ड में आते हैं आपका शेयर मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, इसको समझ लिया. अब सिक्योरिटी मार्केट बैंक हुआ या आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हुआ, इसको तो आप समझते ही होंगे. देन इन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को भी हम लोग क्या करते हैं, 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. देन अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करूंगी तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे आएंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. क्या आएंगे आपके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आएंगे, इंस्टीट्यूट्स आएंगे. इधर आ जाएंगे आपके स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स. देन आपके जो नेक्स्ट आएंगे उनको आप लोग बोलोगे जनरलाइज्ड या जनरल इंस्टीट्यूट्स. एंड जो नेक्स्ट आएंगे उनको आप लोग बोलते हो आपके स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. तो इनका क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए. एंड देन मैं आगे बताती हूँ आपको कि अगर मैं बात करूंगी सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की, तो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती हैं, या वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से जो आते हैं, उनके ईयर्स पूछे आते हैं, तो उनको भी हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे. इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सब लोग जल्दी से. चलिए ठीक है, मैं इसको हटा रही हूँ एंड पढ़ूंगी सिर्फ आपका, पढ़ाऊंगी सिर्फ आपको क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बारे में. अभी हम लोग ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के किस में है, कैटेगरी में है. देन इसको हटाती हूँ. देन अगर बात करेंगे किसके, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की, तो इनको समझ लेते हैं कि कौन कौन से वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो इनमें आते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बेसिकली आपका, आपको ईयर याद करने की, 1948 आया, 1955 आया, 1964 आया, 1990 आया आपका, 1992 आ गया आपका. देन अगर मैं ईयर की बात करती हूँ 1948 की, तो इसमें आने वाला जो आपका ईयर है या आपका जो इंस्टीट्यूट है उसको आप बोलते हो IFCI. एंड इनके फुल फॉर्म आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको नहीं याद रखना है क्या कि इंडियन फाइनेंशियल, या बोलेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल या इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. देन अगर मैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की बात करूंगी तो इसकी कैटेगरी में आता है आपका ICICI. देन ICICI का अगर आप फुल फॉर्म समझोगे तो आपका क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ
इंडिया. नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी आपका 1964 की, तो यहां पे आता है आपका IDBI. IDBI यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. देन अगर मैं बात करूंगी 1919 की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपसे पूछा आ चुका है. इसको आप लोग बोलते हो सिडबी. सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे जो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लगा था, उसके आगे आपको सिर्फ लगा लेना है स्मॉल. तो आ जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. एंड जो लास्ट है आपका, इसको आप लोग बोलते हो 1992 में बनना वाला आपका IIBI यानी कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक, तो ये आपके क्या है, ये आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपकी ऑल इंडिया लेवल पर जो इंडस्ट्रीज होती हैं, बेसिकली इंडस्ट्रीज को क्या करने के लिए, इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करने के लिए ये क्या करती हैं, मेन फंक्शन करती हैं. या आप बोलोगे रीफाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए आपका सारा का सारा जो फंक्शन होता है, मेजर फंक्शन होता है, वो इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू होता है जो कि हैं आपके 1948, 1955, 1964, 1992 में बने आपके IFCI, ICICI, IDBI, SIDBI एंड आपका IIBI. तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं वो कौन से आपके स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो आते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं. चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग. देन आते हैं डिस्कस करते हैं आपका स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को कौन कौन से हैं. तो सिंपली उसमें आपके दो इंस्टीट्यूट्स आते हैं और मैं आपको उनको एक्सप्लेन स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को समझ लेंगे. ठीक, तो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को अगर समझा जाए तो आपके स्पेशल हैं, तो कुछ विशेष क्षेत्रों को भारत में क्या करने के लिए, कुछ विशेष क्षेत्रों को विकास कराने के लिए, उसके साथ साथ में वहां पे आपका फंड उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की स्थापना करी गई. बेसिकली ये दो हैं, एक का निर्माण हुआ था 1988 में और एक का निर्माण हुआ था 1989 में. एंड 1988 और 1999 में बने हुए जो विशेष प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका नाम था RCTC एंड RCTC के साथ साथ में एक था आपका जिसको आपने बोला था TFCI. तो एक बन गया आपका RCTC स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात करेंगे. स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है, जब इसकी हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली क्या था, भारत सरकार के द्वारा कुछ विशेष क्षेत्र थे, उन विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ स्पेशल आपके क्या बनाए गए, यूनिट्स बनाई गई या इंस्टीट्यूट्स बनाए गए जो उन विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए साथ ही साथ में उनको फंड उपलब्ध कराने के लिए क्या करेगी, फंड की जनरेशन करेगी, फंड को आपको मिलेगी या दिलवाएगी. तो इस स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में आपके बेसिकली दो इंस्टीट्यूट्स आते हैं, एक का निर्माण हुआ था 1988 में, एक का निर्माण हुआ था 1989 में. 1988 में आपका क्या हुआ था, RCTC का निर्माण हुआ था जिसका फुल फॉर्म होता है रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फिनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है. एंड जो सेकेंड वन था वो था आपका TFCI
TFCI या इसी को आप लोग बोलते हो टूरिज्म, टूरिज्म, फाइनेंस, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एंड इन दोनों इंस्टीट्यूट्स में आपका फंड दिलवाने के लिए एक स्पेशल टाइप का आपका फंड स्टार्ट किया गया था जिसको आपने बोला था वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है, तो ये जो वेंचर कैपिटल फंड था इसने क्या किया था, आपके वेंचर का मतलब ही ये होता है कि आपका कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए हम एक निर्धारित आपके उद्देश्य के साथ में हम क्या करेंगे, किन्हीं क्षेत्रों का विकास करेंगे। तो उन्हीं क्षेत्रों के विकास के लिए हमने क्या किया, भारत में एक वेंचर कैपिटल फंड की इनिशिएशन किया गया एंड वो रिस्क को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर क्या किया गया, मुद्रा को आरोपित किया गया, मुद्रा को लगाया गया। तो ये तो थे आपके स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। तो आ जाइए समझ लेते हैं आपके जो है आपके जनरलाइज या इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, किससे हैं, कैसे हैं, कब उनका निर्माण हुआ, तो उनको भी हम लोग क्या करेंगे समझ लेंगे। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन इसको मैं हटा रही हूं। चलिए अब अगर बात करेंगे किसकी, आपके इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स की, इन्वेस्टमेंट या इन्हीं को आपने जनरलाइज्ड या जनरल इंस्टीट्यूट्स बोला था। तो मैंने इनको जनरल इंस्टीट्यूट्स क्यों बोला था अभी आपको पता चलेगा। देखिए नॉर्मली क्या हुआ था, इसकी कैटेगरी के अंदर में आपके तीन इंस्टीट्यूट्स आते हैं। पहला आता है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सेकंड आता है GIC यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एंड थर्ड वन है इसको आप लोग बोलते हैं UTI यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो नाम लिख लेंगे क्या, पहला है आपका लाइफ इंश्योरेंस, एंड इंश्योरेंस के ऊपर एक अलग से सेपरेट चैप्टर बनेगा, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सेकंड है आपका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एंड जो थर्ड वन है उसका नाम है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। देन LIC का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था 1956 में यानी कि 1956 में। अगर बात करूंगी GIC की तो इसका निर्माण हुआ था 1971 के एक्ट के तहत 1972 में, एंड अगर मैं बात करती हूँ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तो इसका निर्माण हुआ था 1964 में। तो अगर मैं सिंपली इंश्योरेंस की बात करूंगी तो इंश्योरेंस क्या होता है, इट इज अ रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि आपकी आने वाली जो लाइफ होती है इसमें कभी भी आपको रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए हम अभी से क्या करते हैं, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म में सिक्योरिटी अपनी मनी को डिपॉजिट करते रहते हैं। तो उस मनी की डिपॉजिशन के लिए आपका जो लाइफ के लिए आप लोग क्या करते हो, लाइफ का रिस्क का मैनेजमेंट करते हो, उसको आप लोग कराने वाला जो इंस्टीट्यूट होता है उसको आप बोलते हो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब ये तो बात हुई आपकी लाइफ की, अगर आप बात करोगे अपने व्हीकल की, आप अपने बिल्डिंग की, अपने बिजनेस की, या आप अपनी किसी भी चीज की जिसमें आपका क्या है जान नहीं है यानी कि नॉन लिविंग है, उसका अगर आप लोग क्या करते हो इंश्योरेंस करा के रखते हो, इंश्योरेंस कराते हो, तो उसको कराने के लिए जो इंस्टीट्यूशन पार्ट लेता है उसको आप लोग बोलते हो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देन अगर मैं बात करूंगी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज लाइक अ म्यूचुअल फंड मार्केट, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं आप अपने ही फंड को लगाते हो, अपनी ही यूनिट्स को लगाते हो इंडिया के ऊपर ट्रस्ट करके, एंड ये भी आपका एक तरीके से फाइनेंशियल स्कीम है। इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आते हैं पढ़ लेते हैं आपके स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को। तो आपका यहां पे आज का लेक्चर समाप्त करूंगी, एंड देन मैं क्या करूंगी आप लोगों को बताऊंगी कि आपका जो आने वाले जो बैंक्स हैं जिनके बारे में एग्जामिनेशन में पूछा आता है उनको भी हमें डिस्कस करना है। खैर अभी समझ लेते हैं किसके बारे में, आपके जो स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में। चलिए अब इसको हटा देती हूं मैं। अगर स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की बात करी जाए तो स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की अगर आप लोग बात करोगे तो बेसिकली क्या है, आपकी केंद्र की आपके विकास के साथ साथ में जो राज्य है उनका भी विकास बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। तो राज्यों के विकास के लिए क्या किया गया, आपकी दो तरीके की आपकी यूनिवर्सिटी आपकी बोलेंगे इंस्टीट्यूट्स की स्थापना करी गई। पहले आए आपकी SFC जिनको आप बोलते हो स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, क्या बोलते हैं स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, एंड जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स आए उनका नाम होता है आपका, एक तो हो गया आपके SFC फर्स्ट वन, एंड जो सेकंड वन की मैं बात करूंगी इसको आप लोग बोलते हो SIDC यानी कि स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
ठीक है, तो ये हो जाते हैं कैसे आपके स्टेट लेवल के। देन आपसे क्या पूछा जाएगा, अगर मैं बात करूंगी किसकी, आपकी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो अभी तक क्या है कुल आपके 18 स्टेट्स हैं जहां पे आपके एसएफसी बन चुके हैं, एंड अभी हाल ही में यूपी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में काफी न्यूज में थी चर्चाएं, तो प्लीज उसको सर्च करिएगा, अदरवाइज मैं तो आपका वीडियो बनाऊंगी ही उसके ऊपर। खैर, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 18 स्टेट्स में अभी तक बन चुकी है, इसमें आपका 1955 में पहला स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बना था, कहां पे, आपके पंजाब में। देन अगर बात करूंगी किसकी, आपकी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, तो आपकी ज्यादातर राज्यों के विकास के लिए, उनकी इंडस्ट्रीज के विकास के लिए जो फंड जनरेशन का काम करती है स्टेट की संस्था, उसको आप बोलते हो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एंड 1960 में आपका क्या हुआ था, एक साथ दो स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का या स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, तो एक बनी थी आपकी आंध्र प्रदेश में, एंड जो दूसरी बनी थी आपकी वो बनी थी आपकी बिहार में। तो बिहार और आंध्र प्रदेश ये पहली दो जगहें थी यहाँ पे 1960 में एसआईडीसी का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो ये थे आपके कुछ इंस्टीट्यूट्स। देन आपका जो बैंकिंग टर्म है, ये आपके कैपिटल मार्केट के वो प्लेसेस है जहां से आप फंड का जनरेशन करते हो फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय अवधि के लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड पढ़ते रहिए एंड खुश रहिए, बाय बाय।